अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब फिट फाट होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अरम नवीद और अरहम से पैरट साइंस टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो पैरट्स के मेल और फीमेल के डिफरेंस के बारे में है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। या कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो मेल और फीमेल के डिफरेंस के बारे में है कि नर और मादा में हम किस तरह से फ़र्क पता कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो सबसे पहले मैं आपको फीमेल के बारे में गाइड करना चाहूँगा कि जितने भी बजीज पैरट्स हैं, जितने भी ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, उनमें फीमेल की नोज़ जो है वो वाइट होती है। ये चीज़ आपने माइंड में रखना है कि फीमेल की जो नोज़ है वो वाइट पाई जाती है। अगर तो किसी भी बर्ड की ऑस्ट्रेलियन पैरट में नोज़ जो है वो वाइट है, आपने समझ लेना है कि ये फीमेल है। लेकिन शर्त ये है कि वो अडल्ट हो। जब तक वो अडल्ट की एज में नहीं आएगा आप नहीं फर्क निकाल सकते कि ये मेल है या फीमेल। तो अडल्ट होना ज़रूरी है। अगर अडल्ट है और वाइट नोज़ है तो वो फीमेल है। लेकिन कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जिनकी नोज़ जो है वो ब्राउन कलर में हो जाती है, लाइट ब्राउन कलर हो जाता है। तो याद रखिएगा वो होता वाइट ही है, लेकिन जब मादी हीट पर आती है, ब्रीड करना चाह रही होती है, तो तब उसकी नोज़ का सीयर का कलर चेंज होना शुरू होता है। तो वो जो है ब्राउन कलर में हल्की सी हो जाती है, तो होती वो मादी ही है। अब बात करते हैं मेल के बारे में। मेल डिफरेंट कलर्स में इनकी नोजेस पाई जाती हैं, सीयर जो इनकी डिफरेंट कलर में पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बजरी तोतों की बात करता हूँ कि जो बजरी तोते, जंगली तोते, वाइल्ड बजीज भी जिन्हें कहा जाता है, ये इनकी नोज़ जो है वो ब्लू कलर में पाई जाती है। जी व्यूअर्स, याद रखिएगा इनकी नोज़ क्लियर कट ब्लू कलर में पाई जाती है। जिसकी भी नोज़ ब्लू होगी वो आपने मेल अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है कि ये मेल है 110%। अब बात करते हैं रेड आइज़ के बारे में। तो रेड आइज़ में क्या डिफरेंस आता है कि जो मेल होता है उसकी नोज़ पिंकिश टाइप होती है, यानी थोड़ा सा पिंक शेड दे रही होती है उसका नोज़। वाइट भी होती है लेकिन पिंक कलर आपको नमाया नज़र आ रहा होता है। तो याद रखिएगा अगर पिंक नोज़ है तो वो भी मेल कहलाएगा। तीसरी किस्म का जो मेल होता है उसकी पर्पल नोज़ हो सकती है, लाइट सी जामन कलर में। तो याद रखिएगा ये भी मेल ही कहलाता है। इसके अलावा कोई चौथा कलर नहीं पाया जाता जो कि किसी भी मेल की नोज़ का हो। तो ये पिंकिश ब्लू या पर्पल कलर में ही हो तो वो मेल है, अगर वाइट है तो वो फीमेल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ईजीली आप पैरेट्स के मेल और फीमेल में डिफरेंस कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।